तो इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा सदर के GGIIC कॉलेज पर। अगर हम बात करें, सुबह से मतदान चल रहा है, महिला युवाओं बुजुर्ग सब यहाँ लगातार वोट डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का पर्व माना जाता है। पांचवें चरण का आज मतदान था, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गोंडा में लोग मतदान को लेकर उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं एक बुज़ुर्ग महिला यहाँ आई हुई हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह ये ठेलिए पे लद के आई हैं। लोगों जिनको वोट नहीं करना होता है, मतदान नहीं करना होता है, वो कहीं ना कहीं बहाना लगा देते हैं बहुत सहूलियत होने के बाद भी, लेकिन जिस तरह से इस उम्र में भी ये ठेलिया पर लद के आई हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लोगों को जागरूक करना इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। इनसे जानेंगे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? जैतून। कितनी उम्र है आपकी? 100 से ऊपर है भैया। 100 से ऊपर है आपकी उम्र? तो कैसे है? किसी ने कहा वोट के लिए, या आपका अपना मन किया कि नहीं वोट डालना ही डालना है? वोट तो डालना है, ये है। वोट डालना ही है, डालना ही ना हो तो बच्चा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट डालना कितना अहम है लोगों के लिए, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, वोट क्यों करना चाहिए? अभी पर हम नहीं समझ पाए थे। अच्छा, उम्र आपकी इतनी है, तो किस मुद्दे पर आप वोट करेंगी, क्या सोचा है आपने? अब वोट ठीक है। चलिए, उम्र ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है जागरूकता को लेकर। मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहूँगा इनको दिखाएं कि किस तरह से ये आई हैं इस पर लटके। कौन है ये आपकी माँ? हमारी ये आपकी माँ है जी। आप लेकर आए इनको? जी। तो ये हमेशा हर बार ऐसी आती हैं या पहला ये चुनाव है? नहीं, कई बार आ चुकी हैं। ऐसे ही इसी हालत में आती हैं? नहीं, 2-3 बार इस हालत में आती हैं, बाकी पहले ऐसे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इससे पहले, जैसे आपके पिता भी हैं? नहीं, पिताजी नहीं, गुजर गए जी। ठीक है, तो एक जिम्मेदारी ये बेटे होकर भी निभा रहे हैं कि माँ को ये ऐसे लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये सभी लोगों के लिए सीख है, एक जरिया है कि भाई मतदान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इतना बड़ा पर्व कहा जाता है, एक जिम्मेदारी हमें मिलती है कि हम एक ऐसी सरकार को चुने जो हमारे समाज को बेहतरी की तरफ ले चले, हमारे देश को आगे की तरफ ले चले। क्योंकि बात करें डेवलपमेंट की या विकास की, बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है हमारे मतदान पर। हम जब एक अच्छी सरकार चुनते हैं तो हमारे विकास के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा काम करते हैं।